इसराइल अपने मददगार अमेरिका द्वारा खुले मंचों से कही जाने वाली बातों को भी अनसुना करते हुए हमास और हिजबुल्ला से युद्ध जारी रखे हुए है। इस युद्ध में किसी भी पक्ष की तरफ से नरमी का माहौल ही नहीं दिख रहा है, जबकि कई जानकार समय समय पर कहते रहे हैं कि इस युद्ध से अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है और इसराइल की भी हालत खराब हो रही है। आरोप ये भी लगे कि इसराइल के प्रधानमंत्री चुनाव को देखते हुए वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि वो चुनाव में युद्ध का फायदा लेना चाहते हैं। अब एक रिटायर इसराइली मेजर जनरल ने ही इसराइल को चेतावनी दे दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हमास और हिजबुल्ला के साथ इसराइल का युद्ध जारी रहा तो एक साल के भीतर ये इसराइल के पतन का कारण बन सकता है। मेजर जनरल ने एक लेख में कहा कि सुरक्षा मंत्री योआव गैलेंट को सच्चाई का एहसास होने लगा है कि यदि गाजा पर किसी समझौते पर पहुंचने में फेल रहे और क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाता है तो इसराइल खतरे में होगा। इजरायली सेना के गाजा शहर में प्रवेश करने के बाद गैलेंट ने दावा किया कि वे गाजा शहर और उसकी सुरंगों पर कंट्रोल कर लेंगे और हमास को हरा देंगे, लेकिन ये अभी उनकी पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गैलेंट को अब एहसास हो गया है कि युद्ध अपना उद्देश्य खो चुका है और इसराइल गाजा के दलदल में डूब रहा है, वहां अपने सैनिकों को खो रहा है। ऐसे में हमास को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य दूर दिख रहा है। मेजर जनरल ने नेतन्याहू के बयानों को तो राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर इसराइल को विनाश की ओर ले जाने वाला बताया। उन्होंने इसराइल की वर्तमान सैन्य स्ट्रेटजी को भी कमजोर बताते हुए कहा कि 8 महीनों में भारी बमबारी के बाद भी हमास के जमीनी सुरंग नेटवर्क काफी हद तक बने हुए हैं और इन समूहों ने अपने रैंकों को फिर से भर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल की बात करें तो उसके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं और अब एक बार फिर वहां के लोग सेना में शामिल होने से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में इसराइल के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं।